परवल की सब्जी तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम उसी परवल से मिठाई बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। तो आप इस तरीके से एक बार परवल की मिठाई को जरूर ट्राई करिए, आपको और आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूही और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल आयांस किचन में। तो चलिए आज की बहुत ही सिंपल और मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। परवल की मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम परवल लिया है और ये ताज़ा परवल है, आपको भी इसी तरीके से ताज़ा परवल ही लेना है। और साइज़ में जो बड़े परवल होते हैं ना, बस हमें वही लेना है, छोटे साइज़ के नहीं लेने हैं। मेरे पास तो मीडियम साइज़ का ही है, बड़े वाले नहीं मिल पाए तो मैं तो आज इसी से बनाऊँगी, बट अगर आपको मिल जाए तो आप बड़े वाले परवल लें। अब हम इसके साइड के पार्ट को हटा देंगे, यानी किनारे के हिस्से को कट करके निकाल देंगे दोनों साइड के, और अब हमें इसे छीलना है। तो इसका छिलका हमें हटा देना है, सारे परवल को हमें छील लेना है। तो इसी तरीके से सारे परवल का छिलका हटा ले, बहुत इजीली निकल जाता है। तो इसी तरीके से मैंने सारे परवल का छिलका हटा लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे कट करेंगे, यानी इसमें कट लगाना है, पूरी तरह से इसे कट नहीं करना है। तो बस जिस तरीके से मैं इसमें कट लगा रही हूँ उसी तरीके से लगा लेना है। तो सारे परवल में इसी तरीके से कट लगा लें, ध्यान दें कि परवल पूरा नहीं कटना चाहिए। तो इसी तरीके से सारे परवल मैंने कट लगा लिया है। तो ये देखिए, अब हम चलते हैं आगे की तैयारी के लिए। तो अब हम लेंगे कोई भी एक बर्तन, आप कढ़ाई या फिर कोई भी पैन ले सकते हैं, और इसमें रखेंगे 1 लीटर करीब पानी गर्म होने को। जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम सारे परवल को इसमें डाल देंगे। तो एक एक करके सारे परवल को इसमें डाल देना है, और इस बात का ध्यान रखें कि जब पानी में उबाल आ जाए उसके बाद ही परवल डालना है। यहाँ पे मैंने सारे ही परवल को डाल दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/4 छोटी चम्मच इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। इसके डालने से परवल का जो कलर है ना, नेचुरल एकदम ग्रीन हो जाएगा। इसमें कोई भी फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला, इसका कलर चेंज हो गया है। और अब हमें इसे उबालना है, तो थोड़ा सा कवर करके हम इसे उबाल लेंगे। इसे पूरी तरह से हमें नहीं बॉयल करना है, बस हमें इसे 80% ही पकाना है। तो बस इसे ऐसे ही बीच में मिक्स करते हुए हमें इसे बॉईल कर लेना है, और बीच बीच में इसे हमें एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे बॉईल कर लिया है, ये अच्छे से बॉईल हो गया है। मेरे से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बॉईल हो गया था, मैं कुछ और करने लगी थी और थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल हो गया है, बट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कम बॉईल करना है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद करेंगे और एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे, और इसमें हम एकदम ठंडा पानी डालेंगे। आप यहाँ पे आइस क्यूब भी साथ में डाल सकते हैं पानी के, और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इसका जो बीज है ना वो निकाल लेंगे। तो एक चम्मच ले लेंगे और इसके पीछे वाले हिस्से से, या फिर जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से इसका बीज निकाल लें। जैसा कि मैंने बोला था, थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो गया, तो ये थोड़ा सा टूटने जैसा हो जा रहा है, बट कोई नहीं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसका पानी थोड़ा सा निचोड़ लेंगे हाथों से और इसे एक छलनी पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने सारे परवल के बीज को निकाल लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी और 1/4 कप पानी डालेंगे, और इसे पिघलने तक हम पहले पकाएंगे। चाशनी, एक तार वाली हमें चाशनी बनानी है, तो ज़्यादा टाइम तक हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें पानी बहुत कम डाला है। तो जैसे इसमें उबाल आ जाए 5 मिनट तक और पका ले। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देना है, और 1 छोटी चम्मच हमें इसमें केवड़ा जल डाल देना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, परवल का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। अब हम इसमें सारे परवल को डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक पकाएंगे, जिससे ये अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले, और बहुत ही टेस्टी हमारा परवल का मिठाई बन के तैयार हो। तो 2 मिनट तक ऐसे उलट पलट करते हुए हमें पका लेना है चाशनी के साथ। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पका लिया है 2 मिनट तक। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। वैसे अगर आपको परवल थोड़े बड़े साइज़ के मिलेंगे ना, तो मिठाई और भी अच्छी बनती है। खाने में तो टेस्ट सेम रहेगा, लेकिन और अच्छी लगती देखने में। 2 मिनट बाद हम सारे परवल को ऐसे ही जाली पर निकाल लेंगे। तो हम इसे अब साइड में रख देंगे, जिससे थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। तब तक हम चलते हैं बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम के करीब मावा, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़े से कटे हुए काजू बादाम डालेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, क्योंकि ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है, आप यहाँ पे मिठास चेक कर सकते हैं। स्टफिंग में मैंने 1/4 कप चीनी के पाउडर का यूज़ किया था, और यहाँ पे परवल भी अच्छे से ठंडे हो गए। अब चलते हैं इसकी स्टफिंग करने के लिए। तो पहले हम एक एक करके परवल लेंगे और इसके बीच में स्टफिंग डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप इस तरीके से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। और सब तरफ से हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे, जैसे कि परवल होता है, यानी सब तरफ से नहीं करना है, बीच में थोड़ा सा ऐसे ही रहने देना है।
और यहाँ पे मैंने सारे ही परवर में स्टफिंग भर दी है और ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा परवर का मिठाई बनके तैयार है। बट हमें इसे ऐसे नहीं खाना है, इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन तो करेंगे जिससे देखने में और भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे, उसके बाद इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रोज़ पेटल्स और सिल्वर वर्क से इसकी डेकोरेशन की है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा भी आपको पसंद हो। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और अमेजिंग मिठाई बनके तैयार है। आप परवर की मिठाई एक बार इस तरीके से मेरे कहने पर ज़रूर से ट्राई करिएगा, ये आप सभी को बहुत पसंद आएगी। वैसे भी एक ही तरह की मिठाई खा खा के बोर हो गए तो थोड़ा अलग तो ट्राई करना बनता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी ट्राई करने के बाद कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस और अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।